उन्हें ललित, अशोक और दिनेश, इन तीनों ने पत्थरों के साथ पीट पीट के इसको मार दिया। 2 साल पहले को इनका आपस का विवाद हुआ था और उसके चलते इनकी रंजिश थी इसके लिए। सोहना सदर थाना पुलिस ने खेड़ला गांव निवासी टोनी मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 आरोपी मृतक युवक के गांव खेड़ला के बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक आरोपी खेड़ला गांव के साथ लगते हुए गांव दमदमा का बताया जा रहा है, जिनको अरावली पहाड़ी के आसपास से गिरफ्तार किया गया। 29 और 30 की इंटरवीनिंग नाइट का मामला है। ये 4 लोग इकट्ठे होकर के अपना दमदमा के एरिया के अंदर अपना एक खाली जो लैंड है कहीं पर, वहाँ पर बैठ के ये लोग शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद जो इनका कोई 2 साल पुराना कोई झगड़े को लेकर के इनका विवाद हो गया आपस में, जिसमें अपना जो ये डिजीज्ड है जेस्ट्री उर्फ टोनी, इसकी उम्र 30 वर्ष थी, इसको बाकी के लोगों ने ललित, अशोक और दिनेश, इन तीनों ने पत्थरों के साथ पीट पीट के इसको मार दिया। अगर ACP सोहना की माने तो गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनमें से एक आरोपी के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं 2 आरोपियों के ऊपर 1-1 मुकदमा लड़ाई झगड़े का दर्ज है। वहीं अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान हत्या करने की वजह आपसी रंजिश सामने आई है। करीब 2 साल पहले भी मृतक टोनी के ऊपर गिरफ्तार आरोपियों ने हमला किया था, तभी से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है और बीती रात तीनों लोगों ने मिलकर मृतक टोनी पर पत्थर व बोतलों से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इनकी असल में रंजिश 2 साल पुरानी थी और अभी बातें जो है, अभी हमने इनको राउंड अप कर लिया है तीन लोगों को। अभी एक बार इनके साथ इन्वेस्टिगेशन में हम सारी चीज़ें लेंगे, पुलिस रिमांड के दौरान सारी जो चीज़ें सामने आएंगी वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद। इनिशियली जो हमें सामने आई है बात, इनका कहना है कि 2 साल पहले को इनका आपस का विवाद हुआ था और उसके चलते इनकी रंजिश थी इसके मन। तो हमारे एक्यूज्ड हैं, इनके खिलाफ पहले से जो हैं कुछ कई मुकदमे दर्ज हैं, जैसे जो मेन अपना ललित है जो लड़का, उसके ऊपर तकरीबन 5 मुकदमे चोरी के हैं और जो दिनेश और अशोक है इनके खिलाफ 1-1 मुकदमा झगड़े का है। दिनेश तो है दमदमा गाँव का रहने वाला है और अशोक और ललित जो है ये खेड़ला गाँव के रहने वाले हैं और जो मृतक है वो भी खेड़ला गाँव का है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का जारी है, अभी इसके अंदर जो सारी चीज़ें सामने आएंगी, बिकॉज इनके पत्थर के साथ इन्होंने हमला करके इसकी जो है हत्या की है, उसी से इन्होंने चोटें मारी हैं। इसके अंदर बाकी जैसे मोटरसाइकिल यूज़ हुआ है वो चीज़ें अभी रिकवर करनी बाकी हैं। इनको अभी एक्चुअली हमने राउंड अप किया है, वहीं दमदमा की पहाड़ियों के भी आसपास से मतलब इनको हमने राउंड अप किया है, भागने की तैयारी से जब भी हमें राउंड अप करना पड़ा इन्हें काम बनाया, अभी वो सारी बातें सामने आएंगी। सोहना सदर थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपियों से रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जा सके और वारदात के दौरान प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि रिमांड के दौरान आरोपी किस तरह के खुलासे करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।